Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School and in this video we shall be discussing about the question answers from the chapter 7 of class 7 standard, weather, climate changes and adaptations. So students, this chapter hum puri tarah se cover kar chuke hain. We have covered all the topics and first day we will be doing some multiple choice questions. So we will be starting with the question number first. If the maximum temperature recorded for the day is 36 degrees Celsius and the maximum humidity is 92%, the weather is. आपका यहाँ पे temperature भी काफ़ी high दे रखा है. 36 degrees Celsius is a good temperature, काफ़ी ज़्यादा temperature होता है और humidity भी क्या है, काफ़ी high दे रखी है, that is 92%. तो उस particular जगह का जो weather होगा वो कैसा होगा? It will be hot and rainy, it will be cold and rainy, it will be hot and humid और it will be hot and windy. मतलब उस जगह का weather किस type का होगा? तो हॉट एंड रेनी तो होगा नहीं क्योंकि बारिश की तो यहाँ पे कोई जिक्र हुआ नहीं है. कोल्ड एंड विंडी भी नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है. सो हॉट एंड ह्यूमिड विल बी द राइट आंसर क्योंकि गर्मी तो है ही 36 डिग्री सेल्सियस प्लस ह्यूमिडिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है. सो इसलिए सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. वेदर कंडीशंस आर टेम्परेरी एंड कैन वेरी वीक आफ्टर वीक. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द वीकेंड्स. The day-to-day atmospheric conditions of a place is the climate of that place and Mumbai experiences a big difference in day and night temperatures. तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो weather conditions हैं वो vary करती हैं हर एक week में, ठीक है, और maximum और minimum temperatures भी क्या होते हैं, record होते हैं सिर्फ week के ends में. So if you look at all these statements students, तो ये सारी की सारी statements क्या हैं, हमारी गलत हैं. तो इसलिए I've just written none of them is correct. जो option में इनमें से given नहीं है, माइट भी गलती से ये हो सकता है, यहाँ पे सारे ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो आपको खुद से बना के लिखना है. इट विल बी ऑप्शन ई, ठीक है, दैट इज नन ऑफ देम इज करेक्ट. नेक्स्ट विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर थर्ड. पोलर बियर्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, एनिमल्स विद वाइट फर एंड गिल्स एंड नन ऑफ दीज. तो आपको बताना है कि जो पोलर बियर्स होते हैं वो क्या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं या एनिमल्स विद वाइट फर और उनके पास गिल्स भी होते हैं जिससे वो पानी में रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, या नन ऑफ दीज. सो क्योंकि उनके ऊपर फर होता है और उनकी बॉडी से हीट लॉस होने का खतरा रहता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर फर होता है, तो इसी वजह से वो कैसे एनिमल्स होते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. देन विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ. पेंगुइन्स आर फाउंड इन, जो पेंगुइन्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर मिलते हैं, दे आर फाउंड इन अंटार्कटिका रीजन, जो अंटार्कटिका रीजन होता है वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग. नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर फाइव. द फीचर ऑफ मंकी दैट हेल्प्स इट टू हैंग डाउन फ्रॉम ब्रांचेस इज. जो मंकी का कौन सा फीचर होता है जो उसकी हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से वो हैंग कर पाता है, ठीक है ना, ब्रांचेज में, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज, वो कैमोफ्लाज तो होता नहीं है, एरबोरियल भी नहीं होता, वो उसकी टेल होती है, पेरिहेंसाइल टेल जो है. सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर. देन विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर सिक्स. सम एनिमल्स कैमोफ्लाज एंड दिस हेल्प्स देम टू. कुछ एनिमल्स कैमोफ्लाज की हेल्प लेते हैं, वो उसकी किस चीज़ में हेल्प करती है, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है मर्ज विद द सराउंडिंग्स, ऑप्शन बी इज सर्वाइव फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, फाइंड फूड फॉर देमसेल्व्स एंड ऑल ऑफ दीज. सो बेसिकली कैमोफ्लाज की हेल्प लेता है, एक तो सराउंडिंग के साथ मर्ज होना ही क्या होता है, कैमोफ्लाज होता है, सर्वाइव फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, जो उनके दुश्मन होते हैं जो उनका शिकार कर सकते हैं, उनसे बचने के लिए भी वो कैमोफ्लाज की हेल्प लेते हैं, और जो फूड होता है उसकी सर्च करने के लिए भी दे यूज टू टेक कैमोफ्लाज. सो फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट. सो डी विल बी द राइट आंसर. नाउ विल बी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेवन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डैश एंड डैश. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं आपको पता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनमें से हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है विच वन विल बी द राइट आंसर. सो द राइट आंसर विल बी हॉट एंड मॉइस्ट. क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का बी ऑप्शन जिसके अंदर हॉट एंड मॉइस्ट दिया हुआ हमें, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट आंसर. नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर एट. द ब्राइट रेड आइज ऑफ ट्री फ्रॉग्स आर अडेप्टेशन फॉर. जो ब्राइट रेड आइज होती हैं ट्री फ्रॉग की, वो किस चीज़ के लिए होती है, मतलब वो उनकी उनको अडेप्ट किस लिए किया जाता है. सो हेयर आर ऑप्शन ए इज क्लियर विजिबिलिटी इन द डेंस फॉरेस्ट, ताकि विजिबिलिटी क्या रहे, क्लियर रहे घने जंगल में भी, या फिर कैमोफ्लाज के लिए,
या जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो दूसरे शिकारी होते हैं, उनको डराने के लिए, या हाइडिंग अवे फ्रॉम प्रेडेशन, या बचने के लिए प्रेडेशन से. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली रेड आइज जो होती हैं, रेड ब्राइट आइज जो होती हैं ट्री फ्रॉग्स की, वो दूसरों को डराने के लिए यूज होती हैं, स्केयरिंग द प्रेडेटर्स. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ विल बी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फ्रॉम प्रीडेटर्स आर, जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से एनिमल्स जो होते हैं वो अपने प्रीडेटर्स और दूसरे एनिमल्स से बचते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है? हाइडिंग, छिपना, कैमोफ्लाज मतलब सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेना, रिलीजिंग सेंट्स अपनी बॉडी से इस टाइप की स्मेल्स को रिलीज करना जिससे कि सामने वाला डर जाए. सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं दूसरे एनिमल्स से बचने के लिए. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज. ओके, नाइन्थ का हमारे पास कौन सा आंसर सी हो जाएगा? डी वाला, डी ऑप्शन. देन विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 10. वेदर चेंजेस आर कॉज्ड बाय, जो वेदर चेंजेस होते हैं वो हमारे किसकी वजह से होते हैं? इज इट ड्यू टू मून, इज इट ड्यू टू सन, इज इट ड्यू टू अर्थ, इज इट ड्यू टू स्काई. तो बेसिकली अर्थ तो रोटेट करती रहती है, ठीक है, सिर्फ उसके रोटेशन से ही हमारे जो वेदर्स वगैरह जो कुछ भी होते हैं ये उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. हमारी सन रेज जहाँ पर पड़ती हैं उसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, वेदर्स चेंज होते हैं. ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट विल बी हैविंग बी पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स. सो द डैश डिपार्टमेंट कलेक्ट्स द डाटा ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ वेदर टू मेक द वेदर रिपोर्ट्स. कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो वेदर रिपोर्ट्स बनाता है? इट इज़ द मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में, मटेरियोलॉजिकल. देन सेकेंड इन द फिल इन द ब्लैंक्स इज पिक्चर्स ऑफ अर्थ टेकन बाय डैश टेल्स अस अबाउट द वेदर. जो पिक्चर्स अर्थ से ली जाती हैं, कौन लेता है अर्थ से पिक्चर्स जिससे हमें वेदर के बारे में पता चलता है? तो वो होती हैं सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स टेल्स अस अबाउट द वेदर. सैटेलाइट्स की हेल्प से हमें पता चलता है कि वेदर कैसे रहने वाला है. नेक्स्ट विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 3. इंडिया एक्सपीरियंसेस डैश क्लाइमेट. जो इंडिया होता है, इंडिया है हमारा, इसके अंदर किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. हमारी जो कंडीशंस रहती हैं वो होती हैं ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट की सिचुएशन रहती हैं. नेक्स्ट विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. कंडीशंस ऑफ सनशाइन, एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर एट अ प्लेस आर कॉल्ड डैश ऑफ वेदर. ये सारी की सारी चीज़ें, सनशाइन, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं वेदर के. सो हेयर आई रिटन एलिमेंट्स. नेक्स्ट, डैश रीजन्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. कौन से रीजन्स में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है? पोलर रीजन्स में हमारे. सो आई रिटन पोलर इन द 5th वन. देन 6th, पेंगुइन्स हैव अ डैश बिहेवियर. पेंगुइन्स का बिहेवियर कैसा होता है? सोशल होता है, वो आपस में ग्रुप्स में रहते हैं, क्लस्टर्स में रहते हैं. नेक्स्ट द 7th वन इज ट्री फ्रॉग हैज डैश ऑन इट्स फीट टू क्लैस्प द लीव्स एंड ब्रांचेस. जो ट्री फ्रॉग होता है उसके फीट्स कैसे, उसके जो वो होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? स्टिकी पैड्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो पेड़ के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर चिपक जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाले क्या होते हैं? इंसेक्ट्स. अलग अलग टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर. नेक्स्ट विल बी हैविंग ऑल्टरनेट टाइप रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग एंड येस और नो टाइप क्वेश्चंस. तो सबसे पहले इसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं. ट्रू फॉल्स में पहला है, ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर. जो ह्यूमिडिटी होती है उसी से हमें पता चलता है कि मॉइस्चर कितना है एयर में. दैट्स ट्रू, ऑब्वियस है. जितनी ज़्यादा नमी होगी हवा में उसी से हमें क्या पता चलेगा? ह्यूमिडिटी का पता चलेगा. और ये ऑल्टरनेट है एक दूसरे के. ड्यू टू देयर लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, द ट्रॉपिकल रीजन्स हैव हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट. क्योंकि जो इक्वेटर्स के अराउंड जितने भी लोकेशन होती हैं उनमें, वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं और इसलिए वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है. दैट्स ऑल्सो ट्रू. अगर हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो वी आर ऑल्सो इन द ट्रॉपिकल रीजन. सो दैट्स वाई इन इंडिया द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड. नाउ राइट एंड रॉन्ग टाइप क्वेश्चंस. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स. इट इज राइट. जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं. एट मुंबई द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स विल शो अ लार्ज रेंज ऑफ रेंज एज कम्पेयर टू दिल्ली. दिस इज रॉन्ग. दिल्ली और मुंबई में, क्योंकि वो दोनों इंडिया के ही पार्ट्स हैं तो उनमें ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है. अब हम मैच द कॉलम पे आ जाते हैं. ठीक है, मैच द कॉलम में फर्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब कॉलम ए में वो क्वांटिटी दी हुई है और कॉलम बी में जिससे उसे मेजर किया जाता है.
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किस में मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन परसेंटेज। तो कॉलम बी में जो डी है परसेंटेज, मैंने उसके साथ मैच कर दिया उसे। रेनफॉल जो होता है उसको हम सेंटीमीटर्स में मैच करते हैं, उसको सेंटीमीटर के साथ मैच करेंगे क्योंकि उसी में उसको मेजर किया जाता है। विंड स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिली बार्स में, इस टाइप से हम इन्हें क्या कर लेंगे, मैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी